चलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम की जय। राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आपको अयोध्या में होनी है, इसी बीच में पूरा देश राममय हो चुका है, उसी का जीता जाता उदाहरण अब पटना के महावीर मंदिर में। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप लोग? हम लोग इतने खुश हैं, इतना ज्यादा खुश हैं कि हमारे राम जी का वनवास अब पूरा हुआ है। वनवास में थे राम जी? वनवासी जो जो हो गए बरसों का इंतजार में उनको अपना घर मिला। हम लोग के लिए इतनी खुशी की बात है, हम लोग दिवाली दो दो दिवाली इसी महीने की आज रचना हो रही है। और क्या है कि अभी तो शुरुआत है भाई, ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हम लोग अभी तो झांकी है, ये तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी तो अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लाल राम, लाल सीला, हरा झंडा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं होता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? वैसे लोग को मैं क्या बोल सकती हूँ? कुछ बोल क्या, जब भगवान अपने घर आए हैं, मंदिर और आप धर्म स्थान पे संस्कार नहीं सीखेंगे तो कुछ भी नहीं सीख सकते, कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में आप। इसलिए मंदिर बनना बहुत जरूरी है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे चोर मौके बाज राग भाग जाएंगे। राम आएंगे, मंदिर बनना तो मंदिर अगर धर्म नहीं रहेगा, मंदिर में हम लोग संस्कार सीखते हैं, हम लोग मंदिर का बहुत बड़ा आस्था समझते हैं कि नहीं, और हम लोग जो सच्चाई पे चलते हैं, जो 5000 वर्ष के बाद जो ये हुआ है, ये बहुत बड़ी जीत है। हमारे हिंदू तो जिंदा रहेगा। मनुष्य को मनुष्यता सिखाने का स्कूल है मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज बच्चों को क्यों हम लोग संस्कार देते हैं? सबसे पहले भगवान का नाम लो, पहले मंदिर में जो मंदिर बन रही है हमारे जनते के पैसे से बन रही है, कोई सरकार का पैसा इसमें नहीं लगा है। आम तो जनता जनरल आदमी जो है 17 अप्रैल को है तो उस दिन जो है कि मंदिर को उद्घाटन होना चाहिए। हर जगह पहले भगवान ही आते हैं, उसके बाद मंदिर बनता है। आप केदारनाथ में देखिए, पहले वो केदारनाथ का वो था, शिवलिंग था, वहाँ पे भगवान का पीठ था, उसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। केदारनाथ की मैं बात कर रही हूँ। बिहार सीता माँ की धरती है, इनके लिए कुछ सीता मैया, सीता मैया हमारे घर की बेटी है, और उनको हम लोग क्या दे सकते हैं? हम लोग तो एक गरीब है, उनके लिए जो कुछ भी दे वो बहुत ही कम है। उनको कुछ नहीं दे सकते, बस हम लोग यही कर सकते हैं। माँ साथ में, राम जी के साथ लौटी है, बहुत बड़ी चीज है।